और ये बंदिश देखिएगा। और आर के भैया हमारे जो हैं वो बिहार के बड़े रॉयल फैमिली से आते हैं, रईस लोग हैं, जमीन उनको बोलते थे जमींदार, और वो भी भूमिहार। हाँ जी हाँ जी, और भी लोग हैं कोई भूमिहार यहाँ जमींदार लोग? शंकर झा भी बड़े अच्छे फैमिली से आते हैं, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हमारी तरह मैथिल ब्राह्मण है। जी जी हाँ, कौन आए हुए हैं सर? आपको मैं प्रणाम करती हूँ। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। मैं बिहार की पृष्ठभूमि से हूँ और बिहार गवर्नमेंट ने विरासत में मुझे आज भेजा है बिहार की प्रस्तुतियाँ करने के लिए। और क्योंकि आर के भैया जैसा हम उनको बोलते हैं, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी रॉयल फैमिली ऑफ बिहार, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट जमींदारी फैमिलीज ऑफ बिहार सर। एंड इनके यहाँ हमारे मैथिलों में नहीं, इनके यहाँ ज़्यादा जो पुराने जमींदार थे वो शादी ब्याह में अपने साथ गाने बजाने वालों को लेके चलते थे, बारात में जाता था बारात में, और उधर से बाराती सराती दोनों अपने रखते थे, हमारे पास ये है तुम्हारे पास कौन है। तो बड़े बड़े नामचीन उस समय के कलाकार और गाने वालियाँ जो थी ठुमरी की, वो लेके जाई जाती थी, कत्थक के नर्तक लेके जाए जाते थे इनके यहाँ। इनके पूर्वजों ने, आपने चाचा बच्चा से सुना होगा आई एम श्योर, या देखा भी होगा बहुत बचपन में कि शादी में कोई गाने के लिए बारात में लेकर गए, आपकी शादी में देखिए जी, देखिए दूर जाने की क्या जरूरत है। और ये देखिए जो बंदिश हम गा रहे हैं, ये इस बंदिश को पंडित चंद्रशेखर झा खान गाते थे सहरसा के, ये गया से नहीं है, ये मुजफ्फरपुर से भी नहीं है, वो एकमात्र ऐसे गायक थे पूरे मिथिलेश भाई अगर बैठे हैं तो वो सहरसा से हैं। मिथिलेश भैया बैसल छा आ ठीक ही ऐठा मैं महफिल में आके हम देख नहीं रहा कहीं हाथ आ उठाओ मिथिलेश भैया और ओके। तो मिथिलेश झा जी तबला वादक हैं दिल्ली से, हमारे बिहार से हैं, आप सुनेंगे उनका तबला, बहुत काफ़ी संगत है विरासत में उनकी, वो सहरसा से हैं। तो चंद्रशेखर झा खान, वो खान एक टाइटल दिया जाता था, बहुत हाई क्लास ब्राह्मिन्स को खान बोलते थे, जो बहुत हाई क्लास होते थे। तो चंद्रशेखर झा खान जी इस बंदिश को आप ध्यान से सुने हमारी बात, और बंदिश यूं है आर के भैया, बंदिश है, और मैं जहाँ ये जाती हूँ और जहाँ इसके बारे में मैंने चर्चा की, मैंने बहुत ज़्यादा इसको गाया नहीं है, आपके विरासत में इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं। गाने वाली वो तो गाले वाले थे चंद्रशेखर जी, और गाने के बोल लगाते थे और कहते थे बाई अंगुलिया में पीर, बाएं हाथ की उंगली में, छोटी उंगली में पीर का मतलब होता है दर्द हो रहा है। देखिए भोजपुरी बिहार और यूपी दोनों की साझी विरासत की भाषा है, थोड़ा बनारस में अलग तरह से कसिका हो जाता है, थोड़ा अलग उच्चारण है, बिहार में कुछ अलग है। बाई अंगुलिया में पीर, ये मेरा सवाल है इस ठुमरी है ये विलंबित लय की भैरवी मिश्र भैरवी, बाई अंगुली में क्यों दर्द हो रहा है, दाई उंगली में बाबा क्यों नहीं दर्द हुआ, बाई से क्या तात्पर्य होगा, ये मैं जब सुनाऊंगी तो मुझे आप सोच के दिमाग, अभी सर के बाल खुजाइए, अपना सर खुजाइए और इसका साहित्य सुन के हमको बताइए कि ऐसा क्या कलोकियल है पृष्ठभूमि में, खेती बाड़ी में, गांव घर में, कुछ आपने अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना कि बाई उंगली में दर्द का क्या महात्म्य है भाई। तो कह रही हैं नायिका जी, बाई अंगुलिया में पीर, धीरे से बहिया गहो मोरे राजा, पूरा श्रृंगार रस का ये एक ताम झाम है नोक झोंक। लेकिन वो कह रही है बाई अंगुलिया में पीर, मेरा बाँ मत पकड़ो क्योंकि मेरी बाई हाथ की उंगली में दर्द है। तो सवाल ये है कि दाई हाथ की उंगली में दर्द क्यों नहीं है भाई, बाई हाथ में ऐसा क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है, अभी आप सोचिए और हम इसको आपको सुना। विलंबित लय जत 16 मात्रा में रे
धीरे से बहिया बहिया गहो मोर राजा हो बाई अंगुलियां पीर हो पीर बाई अंगुलियां पीर हेरी धीरे से बहिया गहो हमारे साथ पूरा बनारस लेके ताम झाम तो बैठल हुआ शिव महाराज जी तबले वाले वो भी बनारस के इतने खतरनाक जरा भी लोचा होगा पूरे बनारस को कल खबर रात और रात चला जाना व्हाट्सएप वैसे सुशु भैया के पास नहीं है ठुमरी मुजफ्फरपुर में महफिल होती या शादी में आप लोग क्या आधी रात का मामला था बहुत आराम से चंद्रशेखर खान जी उसको गा जाते क्या है हमको ये अशोक कुमार झा जी हैं बनारस में वो चंद्रशेखर जी के पास जाया करते थे सहरसा से हैं अशोक कुमार झा जी बनारस में अच्छा गाते हैं बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते हैं हमारे साथ हमारे गुरुजी छन्नू महाराज के साथ सारी जिंदगी बजाए भैया ने बताया कि वो जब शादी में गाने जाते थे किसी शादी में तो लड़के के पिताजी को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये लड़के का फादर है और बीच में गाते गाते अपनी बाई उंगली पकड़कर मंच से उतर जाते थे
और जहाँ लड़के के फादर होते थे वहाँ रोते हुए अपनी उंगली पकड़ कर चले जाते थे और उनको दिखा दिखा के, वो कितने भी बिजी हो, किसी से बात कर रहे हो, भैया देखा ना बाई उंगलियाँ में पीर, अब बैठा ना सुना ना बाई उंगली, अच्छा 10-15 मिनट जब वो बाई 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 लड़के के फादर का दिमाग चाटते थे वहाँ पर। तो यहाँ मंच पर तबले में बुलबुल महाराज जी, उस जमाने के बुलबुल महाराज जी कहते थे भाई मैं यहाँ अकेला क्या तबला बजा रहा हूँ, मेरा गायक तो बाई उंगली पे दर्द बता के लड़के के पिताजी के पास चला गया दुखड़ा रोने के लिए। वो दायां बायां समेट के उनके पीछे जहाँ भी उस पंडाल में दौड़ जाते थे और वो वहीं पे धम से बैठ जाते थे और लड़के के पिताजी को देखते हुए वो बाई उंगली पकड़ कर बाकी का गाना होता था, तबला वहीं बजता था। ये बिहार के महफिलों के शादी ब्याह का ठुमरी का इतिहास है जो आज मैंने आपको डॉक्यूमेंट कर
मैं इतना बोली हूँ फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, ये सवाल पूछे बिना तो जा नहीं सकते कि बाईं उंगलियां में क्यों पीर है और दाईं में क्यों नहीं. कौन देगा मुझे इस सवाल का? विजय श्री जवाब दो. आई नो द मेन विल प्रोबेबली डू बेटर, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है ऐसे मामलों में. क्या लगता है आपको आर के भैया, क्यों कहा कह रहे हैं बार बार बाईं उंगलियां बाईं उंगलियां? और ये वो कोई वो गौरी विभूषित वाम भागम वाली बात नहीं है, ये श्रृंगार प्रधान ठुमरी है. इसमें ये नहीं है कि वामांगी तो इसलिए बाईं अंगुलियां, उसका कोरिलेशन कुछ समझ नहीं आता है. साहित्य भी कुछ ऐसा नहीं कह रहा है. एनीबडी विल ट्राई टू हैजर्ड अ गेस व्हाई द नायिका सेज मेरी बाईं उंगली में दर्द है और नॉट दर्द. जितना एक इस सवाल को पटना भेजा, मेरी बहन की ससुराल पटना है और उनकी सासू माँ हमारी आंटी जी की फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि वो सहरसा से हैं. उन्होंने कहा जितना मेरा दिमाग चल रहा है कि नोक झोंक की ठुमरी है, आमने सामने जब वो उसको नायक पकड़ेगा ना तो बायां हाथ पकड़ में आएगा उधर से. तो जब बायां हाथ पकड़ रहा है तो वो नखरे कर रही है, नया नखरा है, ये नए किस्म का महफिलाना नखरा है कि मेरी बाई. अगर कहेगी कि दाएं हाथ की उंगली में दर्द है तो लोग कहेंगे सारा दिन काम करती हैं औरत तो दाएं हाथ दर्द हो रहा होगा. नोबडी इज़ गोइंग टू पे हर एनी इम्पोर्टेंस. लेकिन ये नया रोग जो है बाईं अंगुलियां में पीर, सो शी हैज़ कम आउट विद अ न्यू नैरेटिव. ये एक नया नोक झोंक का नैरेटिव है कि मेरी बाईं उंगली में दर्द है. इसके बाद आपके दिमाग में कुछ और उपज आएगी तो रीच के जीमेल से मुझे आप उसे प्रेषित करें और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हम उसको जोड़ देंगे. यहाँ विरासत के मंच से एक बार फिर आप सबका, रीच विरासत का, ONGC का, इस सुंदर देहरादून के शहर का, हमारे बहुत ख़ास कुछ मित्र हैं डॉक्टर उषा आर के यहाँ विराजमान हैं, जो फॉर्मर ICCR कल्चर सेंटर डायरेक्टर मॉस्को थी और अभी रिटायर होकर देहरादून में हैं और बहुत बड़ी आर्ट क्यूरेटर हैं और उनको नृत्य पे महारत हासिल है और वो यहाँ बैठी हुई हैं और बहुत और भी कलाकार वर्ग और लोग हैं. और मैं आर के भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर बार मुझे नई चीज़ों के साथ जोड़ते हैं विरासत में. विजय श्री शंकर झा जी को बड़ौदा में, विजय रंजन जी को अहमदाबाद में और आपके जितने भी कार्यकर्ता और कर्मचारी और साउंड पर बहुत ब्यूटीफुल साउंड. मेरे साथ इतना भव्य मंच जो शुभ महाराज और परमिता की वजह से आज मिला, इतना सुंदर ये दायां बायां जो चल रहा है, ये बैठ जाते हैं तो उसके बाद ये बोलते हैं खेला होबे. वो वैसे भी बंगाली है और उन्होंने उनके पुरखों ने आधी ज़िंदगी बनारस वालों ने कलकत्ते में ही बिताई है तो वो ऐसा खेला करते हैं कि उसके बीच में कहीं झूलते झूलते आपको निकलना पड़ता है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इन देहरादून फॉर दिस वंडरफुल लिसनिंग. आई ऑलवेज टेक बैक सो मच फ्रॉम योर आइज विच इज़ फुल ऑफ लव. कीप लिसनिंग, इट्स द मोस्ट रोमांटिक जॉनर ऑफ म्यूजिक एंड इट्स अ डाइंग आर्ट. उंगली पे गिन के चार कला, बाईं उंगली पे गिन के 1, 2, 3, 4, 5 कलाकार शायद बाएं हाथ की उंगलियों पर गिनकर ठुमरी के इस देश में आज नहीं हैं. और ये कुछ विडंबना है तो रीच विरासत जैसे लोग जब तक बुलाते रहेंगे और ठुमरी की डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे, बहुत बड़ा आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसके साथ मैं धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी. आपने जो इतनी खूबसूरत प्रस्तुति दी और उसके साथ साथ जब आपने उसके बारे में जानकारी भी दी, वो अद्भुत थी. और इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं. हमारा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम बहुत हर्षित हैं कि आज हमारे साथ ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट और रीच विरासत के पेट्रन राजा रणधीर सिंह जी भी मौजूद हैं, जिनका संगीत की रुचि इतनी गहरी है और उनका अपना संगीत के विषय में ज्ञान इतना विस्तार है कि जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है. सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. आपने जो अभी गोंजाओ में एशियन गेम्स सबने हमने देखा, जिसमें भारत ने कमाल दिखाया, 70 के बाद पहले मेडल्स हमारे केवल 70 थे, 107 मेडल्स इंडिया ने जीते. उस पूरे एशियन गेम्स के का आयोजन राजा साहब के नेतृत्व में हुआ था. राजा साहब ओलंपियन शूटर रहे हैं और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं.
उनके साथ ही हम स्वागत करेंगे कुंवर भारतेंद्र सिंह जी का, जो एक संसद सदस्य रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और उनके परिवार के सदस्यों का। मैं कुंवर भारतेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और कलाकारों का अभिनंदन करें। मैं आपको बता दूं कि हमें राजा साहब का नेतृत्व केवल एशियन गेम्स में नहीं रहा, बल्कि इस रीच विरासत को आज यहाँ तक लाने में राजा साहब का बहुत बड़ा हाथ, और उनके ही आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हम 2023 की ये विरासत कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और बहुत सारे कलाकार जो इस विरासत में आ रहे हैं, वो हम बार बार उनको परेशान करते रहे हैं। आर के सिंह तो आए दिन राजा साहब को फ़ोन करके परेशान करते रहे हैं कि आप उन्हें बुलाइए। और विशेषकर जो अभी कलाकार मंच पर आएंगे, उन्हें तो राजा साहब ने ही यहाँ बुलाया है, और राजा साहब के कहने पर ही वो यहाँ आएंगे। मैं उनका परिचय अभी देता हूँ, और मैं जानता हूँ आप बड़ी बेसब्री से उस कलाकार का परिचय की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं।